वेलकम बैक फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 का हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस देख रहे थे। इस चैप्टर में आगे हम लोग एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखेंगे, जिसके तीन तरह से होता है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन और डिपोजिशन, ये दोनों साथ में चलता है। अब ये तीनों को, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन एंड डिपोजिशन, ये एक एक करके अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले वेदरिंग देखते हैं। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज नोन एज वेदरिंग। क्या होता है कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, अपने ही जगह पे, जिस जगह पे रॉक है उसी प्लेस पे ही अगर ये टूट फूट जाता है, क्लाइमेटिक एक्शन के द्वारा टूट जाता है या केमिकल एक्शन के, जैसे कोई एसिड रेन हुआ या फिर जो भी तरह से हुआ बायोलॉजिकल एक्शन का, अगर ऑन साइट प्रोसेस पे इसमें मूवमेंट नहीं होगा, ये अपने ही जगह पर रहते रहते अगर रॉक टूट जाता है, इसमें डिकम्पोजिशन होते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन के कारण, कभी सनलाइट के कारण हीटेड हो जाएगा, फिर रात को कूल हो जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये धीरे धीरे टूटते फूटते रहते हैं, तो इसको पूरे प्रोसेस को वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। ये इसी ऑन साइट प्रोसेस है, इसी प्लेस पे ही होगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, जैसे कि पत्थर टूटा वो नीचे गिरा, लेकिन ये कोई फ्लो नहीं करेगा, ये इसी ऑन साइट प्रोसेस पे ही होगा। वेदरिंग प्रोसेस भी जो है वो तीन तरह से होते हैं। पहला हो गया केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, दूसरा हो गया फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस, तीसरा हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। इसमें तीन तरह से अब जो है तीनों को अलग अलग करके फिर देखते हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस भी चार तरह का हो जाते हैं। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में मेनली वाटर और एयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सनलाइट का तो हीट जो होता है वो तो होगा ही, तो मेनली इस तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वाटर और एयर का, जिसका इसमें सॉल्यूशन जो वेदरिंग प्रोसेस है वो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है वो चार टाइप से हो जाएंगे। एक सॉल्यूशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है इन ज्योग्राफी? समथिंग इन डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज सॉल्यूशन। अभी अब केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं है कि कुछ भी डिसॉल्व हो जाएगा तो कह देंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर कुछ भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे इस वेदरिंग प्रोसेस के अनुसार, ठीक है। अब वैसे रॉक जिसमें नाइट्रेट मिनरल है, सल्फेट मिनरल है, वो सब वाटर में इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे, तो रॉक जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है अगर रॉक में, अगर उसमें कार्बोनिक एसिड लगता है तो वो धीरे धीरे उसको भी गला के कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्म लेके वो निकल जाएगा। इसी कारण जो रेसिड्यूअल मटेरियल है वो सिर्फ बचेगा, बाकी चीज़ वो निकाल ले जाएगा। उसी तरह से अगर कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड अगर है रॉक में, तो वो पानी के साथ वो भी लीच आउट हो जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और बाकी रेसिड्यूअल बच जाएगा, तो धीरे धीरे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। कार्बोनेशन प्रोसेस ये अलग से एक प्रोसेस है भैया। इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, वो अगर वाटर में सॉल्युबल है तो वो धीरे धीरे रॉक पे अटैक करेगा जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, वो एक तरह का वीक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो कार्बोनिक एसिड बना, अगर कहीं कैल्शियम कार्बोनेट का या मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपॉजिट है या रॉक में वो है किसी भी रॉक में, तो वो धीरे धीरे अगर वाटर फ्लो करेगा जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है और वीक एसिड बना हुआ है, वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म पे रहेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा कि वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को धीरे धीरे वो डिसॉल्व कर लेगा उसमें, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, वो वहां से लीच आउट कर देगा, मतलब कि उसको निकाल के ले जाएगा, और जो रेसिड्यूअल पदार्थ है वो वहाँ पे डिपॉजिट रह जाएगा। जैसे इसमें मेन केव फॉर्मेशन इसका होता है, जैसे इस जगह पे कैल्शियम का डिपॉजिट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो धीरे धीरे वाटर जो फ्लो किया वो धीरे धीरे निकाल के ले गया, जो रेसिड्यूअल पार्ट जो बचा हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट तो निकल गया, और जो बाकी जो सिलिकेट हो गया और अदर मिनरल जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाए, जो कार्बोनिक एसिड से अटैक नहीं हो पाए, वो रेसिड्यू बच गए, तो केव फॉर्मेशन हो जाता है इसके कारण पूरा इसके। अब अगला प्रोसेस देखते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हो गया कि केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि कुछ मिनरल्स होते हैं कि जो वाटर एब्जॉर्व कर लेते हैं, और वाटर एब्जॉर्व करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम की इंक्रीज हो जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर सनलाइट का
आया, उसमें से हीट मिली उसको सूरज से, तो वो फिर धीरे धीरे अगेन ड्राई कर जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर फिर इवेपोरेट कर जाएगा, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसी तरह से फिर वाटर मिला, तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये चलता रहेगा पानी के कारण, क्योंकि पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इस रिपीटेशन प्रोसेस क्या होगा कि बार बार एक्सपेंड होने और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, तो क्रैक आएगा तो फिर ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर जाएगा, धीरे धीरे टूटने लगा। तो मेनली ये कैल्शियम सल्फेट टू जिप्सम, जो जिप्सम की पहाड़ी होती है जहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का जहाँ डिपॉजिट होता है, तो वहाँ पे ये हाइड्रेशन प्रोसेस देगा, कैल्शियम सल्फेट वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिप्सम बनेगा, हीट होगा सनलाइट से, वो वापस से कैल्शियम सल्फेट बनेगा, ये इस तरह से इंटरचेंज करते रहता है, धीरे धीरे ये क्रैक करते रहता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं इसमें क्या। ऑक्सीडेशन का मतलब क्लियर होता है कि किसी भी मिनरल में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो केमिकली एडिशन हो जाता है, तो उस ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर जाएगा, तो जो केमिकल एडिशन होगा उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे। किसी भी मिनरल में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके रिवर्स में अगर किसी मिनरल में से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे। अब क्या होगा कि जैसे कि कोई मिनरल कोई डिपॉजिट है, ठीक है, तो उसमें कहीं पे ऑक्सीजन, उसमें एयर से ऑक्सीजन आया या वाटर में डिजॉल्व है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब कर जाएगा या फिर उससे अटैच हो जाएगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो उसके कारण वो उसका केमिकल कंपोजिशन उसका डिस्टर्ब कर जाएगा, ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड बदल जाएगा, जिसके कारण वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसी तरह देखा गया कि रेड कलर ऑफ आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न्स ब्राउन एंड येलो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो रेड कलर ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, ब्राउन और येलो में बदल जाएगा, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स में बदल जाएगा। उसी तरह से अगर आयरन का अगर कहीं रिडक्शन होता है तो ग्रीनिश ब्लू ग्रे में बदल जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन होगा जहाँ पे खूब सारे अवेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, वाटर बहुत हाई मिल जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फ्लोइंग वाटर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और जहाँ स्टैगनेंट वाटर है या पे कहीं वाटर लॉक्ड कंडीशन है या फिर कहीं नीचे अंदर दबा हुआ कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ से उस मिनरल में से ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। तो जहाँ पे फ्लोइंग वाटर रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर रहेगा, वाटर लॉक्ड कंडीशन रहेगा, वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस देख रहे थे, उसमें तो तीन तरह से होता है, वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो वेदरिंग में भी हम लोग तीन तरह का देखें, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस और बायोलॉजिकल, जिसमें हम लोग केमिकल वेदरिंग प्रोसेस का चारों पार्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस को। इसमें नाम से क्लियर है फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस है, तो कहीं से इसमें फोर्सेस अप्लाइड होगा, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अगर कोई रॉक है, कोई कोई पहाड़ है, कोई लैंड सरफेस एरिया, कोई लैंड फॉर्म है, कहीं पे भी अगर, तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड। तो तीन तरह के फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, पहला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया एक्सपेंशन फोर्स, तीसरा हो गया वाटर प्रेशर। अब कैसे कैसे होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा, अगर मान लेते हैं वो उस पर एक्स्ट्रा डिब्रीज आके ऐड हो गए, उस पर एक्स्ट्रा और पत्थर आके उस पर कहीं किसी 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 एजेंट के द्वारा वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो प्रेशर बढ़ते चलेगा, जो मेन रॉक था उसके ऊपर और डिपॉजिट होते जाएगा, तो लोड बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसमें स्ट्रेसेस आएंगे ग्रेविटेशन के कारण, उसके ऊपर से जो प्रेशर बढ़ते जाएगा तो ग्रेविटी लगेगी, तो वो एक्सपेंड करेगा, वो प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें। दूसरा एक्सपेंशन फोर्स, टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है, तो टेम्परेचर तो चेंज पूरे अर्थ पे भी होते रहता है, मान लेते हैं कि कहीं पे हाई टेम्परेचर हो गया, जैसे डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर दिन में बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, रात में बहुत लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज के कारण एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके कारण भी वेदरिंग होगी, मतलब कि रॉक टूटेंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का। वाटर प्रेशर, अगर कहीं अल्टरनेटिव में कहीं पे ड्राई और वेट सेक्टर, जैसे इक्वेटोरियल रीजन पे, एक बार दिन भर पानी बरसेगा, फिर ड्राई होगा, फिर पानी बरसेगा, इस तरह का अगर चलता है तो वाटर का भी जो प्रेशर होगा, तो उसके कारण रॉक का फ्रैक्चर होगा। ये मेनली तीन फोर्सेस में काम करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सपेंशन फोर्स और वाटर फोर्स, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस में। तो फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस भी चार तरह से हो जाएंगे, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, दूसरा हो गया टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, तीसरा हो गया फ्रीजिंग थॉलिंग एंड फ्रॉस्ट ब्रेजिंग, चौथा हो गया साल्ट वेदरिंग। अब इस चारों को भी अलग अलग से देखते हैं एक एक करके। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन। अब जैसे कि ये रॉक है, इसके ऊपर से अगर कंटिन्यूअस इरोजन हो रहा है, तो ऊपर का एक लेयर लेयर के फॉर्म में ये निकल जाएगा, कंटिन्यूअस इरोजन जब होगा, जब इरोड होते जाएगा, तो ऊपर का एक लेयर निकलते जाएगा,
तो ये हो गया कि ऊपर का लेयर निकलेगा, उसका क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर कम होते जाएगा, कम होगा प्रेशर तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, और ये जो फ्रैक्चर होगा ये पैरेलल होगा, मतलब एक लेयर में सीट के तरह पे लेयर के फॉर्म पे ये होगा, जैसे इस फिगर में देख रहे हैं कि लेयर के फॉर्म में फ्रैक्चर हो रहा है, धीरे धीरे पतले पतले लेयर निकलते चल जाएंगे, और ये जो लेयर निकलेंगे ये ग्राउंड के पैरेलल हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड है तो इसी के पैरेलल में पतली पतली लेयर के फॉर्म पे ये इसका फ्रैक्चर होगा, ठीक है। जो सीट निकलेंगे इसको एक्सफॉलेशन सीट कहेंगे, और जो ऊपर से प्रेशर है धीरे धीरे तो ऊपर के रॉक हटते जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा और धीरे धीरे सीट निकलते जाएगा, इससे होगा क्या कि एक स्मूथ राउंड शेप, एक डोम शेप पे ये स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएगा, और इसी को एक्सफॉलेशन डोम्स कहेंगे। ये भुवनगिरी टाउन आंध्र प्रदेश का एक फिगर दिया होता है एनसीईआरटी में, यहाँ पे इस तरह का ये रॉक होगा, और ये ग्रेनाइट के ही रॉक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही लार्ज स्केल होगा, एक माउंटेन की तरह दिखेगा। टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन देखते हैं, तो टेम्परेचर चेंज के कारण कैसे इसमें एक्सपेंशन होता है और वेदरिंग होती है। ड्राई क्लाइमेट में और हाई एलिवेशन में होगा। ड्राई क्लाइमेट में क्यों? क्योंकि ड्राइनेस रहेगा तो एक हाई एलिवेशन रहेगा तो ऊपर ऊपर में हाइट पे रहेगा तो ठंडा होने में अच्छा रहेगा, और दूसरा ड्राई रहेगा अगर कहीं वाटर आ गया तो उसको फिर से कूल डाउन कर देगा। तो ड्राई क्लाइमेट और हाई एलिवेशन मतलब कि ठंडा भी चाहिए और गर्मी भी चाहिए, इसके कारण क्या होगा, दिन भर में जो टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके कारण धीरे धीरे ये क्रैक कर जाएंगे रॉक। जैसे ये रॉक है पहले एक हुआ करता होगा पूरा, अब इसमें एक्सपेंशन हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो धीरे धीरे क्रैक कर गया ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर, उसी तरह से आगे भी है, ये धीरे धीरे यहाँ पे ये क्रैक होते जाएंगे। इसमें जो इसमें क्या होगा कि एक स्मूथ राउंड शेपेड रॉक का फॉर्मेशन होगा, ये छोटे छोटे रॉक रहेंगे लेकिन स्मूथ राउंड शेपेड रहेंगे, इसी को टॉर्स कहेंगे। आगे देखते हैं, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सफॉलेशन डोम्स एंड एक्सफॉलेटेड टॉर्स में क्या डिफरेंस हो गया, तो वही डिफरेंस जो इसमें आपको फिगर में एकदम क्लियरली दिख रहा है, एक होंगे बहुत ही लार्ज साइज के होंगे डोम्स, डोम शेप्ड होंगे, सीट में इरोजन होगा इसका, धीरे धीरे टूटेंगे सीट के रूप में, और जो पैरेलल सरफेस के रहेंगे इसके जो ऊपर सरफेस जो रहेगा वो नीचे ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, इसमें कि ये दोनों ग्रेनाइट के रहेंगे लेकिन इसमें है कि एक छोटे छोटे रॉक के फॉर्म में ये निकलेंगे और धीरे धीरे इसमें क्रैकिंग होगा। फ्रीजिंग थॉलिंग एंड वेस्ट फ्रॉस्ट ब्रेजिंग इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा कि आइस जो है वो रॉक के क्रैक में जम जाएंगे। अब ऐसा कोई एरिया है अर्थ का जहाँ पे रेन भी होता होगा और वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी चले जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाएगा, तो उस जगह पे क्या होगा कि अगर रेन हुआ तो क्रैक में रेन वाटर फंस जाएगा, उसके बाद अगर वो टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो वहाँ पे वो आइस के फॉर्म ले लेगा। अब जैसे ही आइस बनेगा तो उसके कारण ये एक्सपेंड करेगा, आइस आइस जब कूल डाउन होगा तो एक्सपेंड करेगा तो अगल बगल के रॉक को वो तोड़ देगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ये कहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव कहाँ पे होगा ज़्यादा, तो मिड लैटिट्यूड में होगा और हाई एलिवेशन पे, हाइट पे रहेगा तो कूल डाउन और मिड लैटिट्यूड पे रहेगा तो टेम्परेचर वहाँ पे डाउन है, हल्का बारिश भी होगी तो हो जाएगा। इसमें होगा कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग, इसमें क्या क्या होगा, कभी कभी जो जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तो आइस फ्रीज हो गया, आइस फ्रीज हो गया तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा आइस के कारण, उसके कारण रॉक पे प्रेशर पड़ेगा, रॉक टूटेंगे, फिर वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिर वापस वाटर में बदल जाएंगे आइस, उसके बाद फिर टेम्परेचर डाउन होगा तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर प्रोसेस होगा, तो इसके कारण ये क्रैक कर जाएगा। अगला हो गया साल्ट वेडरिंग। साल्ट वेडरिंग क्या होगा, कुछ कुछ रॉक में साल्ट होते हैं, तो साल्ट है तो क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो साल्ट में अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन होगा बाकी रॉक के मुकाबले, तो उसके बाद उसमें हाइड्रेशन भी होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे अंदर में जो साल्ट है, तो उससे होगा क्या कि उसमें प्रेशर पड़ेगा रॉक पे और रॉक फ्रैक्चर कर जाएंगे। हाई टेम्परेचर इन द डेजर्ट फेवर सच साल्ट एक्सपेंशन, जो हाई टेम्परेचर होता है डेजर्ट एरिया में तो वहाँ पे जो रॉक्स हैं उसमें एक्सपेंशन होगा, 50-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसमें एक्सपेंशन होगा, रात में कूल डाउन हो जाएगा तो उसके जो साल्ट के कारण जो एक्सपेंशन होगा तो उसको साल्ट वेडरिंग कहेंगे। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल जो ग्रेन्स है, पार्टिकुलर जो ग्रेन्स है साल्ट ये रॉक के छोटे छोटे, उसमें भी क्रैक्स आने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन होगा,
इसमें ग्रैनुअल फॉर्मेशन होगा, छोटे 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 ढेले के रूप में इसमें ग्रैनुअल फॉर्मेशन होगा। और जो पॉलीगोनल क्रैक्स अगर जो फॉर्म कर जाते हैं, ये इसी का एग्जाम्पल है साल्ट पेंट का। अच्छा, इसमें भी कुछ कैटेगरी दिया गया, जैसे कि चार्ट। चार्ट जो है जो सबसे जल्दी से ये डिफॉर्म कर जाता है साल्ट वेल्डिंग के कारण। उसके बाद अगला नंबर आता है लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, जेनेसिस और ग्रेनाइट का। मतलब ये अगर सब रहेंगे तो सबसे पहले कौन ब्रेक करेगा, तो चाल करेगा। उसके बाद, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है, जो जितना हार्डेस्ट रहेगा वो धीरे धीरे टूटेगा, और जो जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा वो उतना जल्दी टूट जाएगा।